राजस्थान सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश करे बजट पर बहस हो रही है और उसमें मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने गांव, गरीब और तमाम उन सब लोगों को इस बजट में सहायता दी है जो जिनकी नज़र थी कि केंद्र सरकार का बजट पेश हो रहा है, उसके ठीक 10 दिन बाद राजस्थान सरकार का बजट पेश होगा, उसमें क्या हमें सहायता मिलेगी, क्या हमारे लिए फायदा होगा। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये जो गैस की टंकियां थी, बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं बड़े बड़े विद्वान, वो तो चले गए दिखते, एक दो तो बड़े बड़े विद्वान हैं ये, वो गैस की चूल्हे उसकी टंकी का क्या उपयोग हो रहा था। गरीब आदमी, अभी जो कुन्नर साहब बता रहे थे, गरीब आदमी की भी आदत बिगड़ गई कि वो गैस के चूल्हे के अलावा रोटी नहीं बना पा रहा था, वापस लकड़ी काट के किस ढंग से लाके वो लोग काम कर रहे थे। वो सब लोग राजस्थान की कांग्रेस सरकार को दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि कम से कम ये मोदी जी का जो ऊंधा पड़ा हुआ चूल्हा था, ये गैस था, ये टंकी थी, टंकी का काम कर रहे थे कि उसको उल्टा करके उस पर मटकी रख के पानी पी रहे थे। हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा तो आदमी वापस हिम्मत कर सकता है। आज महिलाएं बस में बैठ के जाती है, अभी बोल रहे हैं कि रेवड़ी है, रेवड़ी नहीं है, उसका बस का किराया आधा किराया लग रहा है। वो दुआ देगी, कोई दिलावर जी की बीवी तो बस में बैठती होगी तो एमएलए के उस कूपन से बैठती होगी, लेकिन वो गांव की गरीब औरत, माँ बहन दुआ देगी कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए सोचा है। आज चिरंजीवी योजना, इस योजना के माध्यम से पूरे देश में बड़ाई हो रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार की कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा, आज गरीब आदमी जब इलाज कराने जाता है बेनीवाल जी, उसकी स्थिति क्या होती है। आज उन्होंने जो 25 लाख रुपए तक का दवाई का बजट किया है, इसकी भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने गांव और गरीब के लिए किया है। आज नरेगा जैसी स्कीम शहरों में चालू करी, ये बहुत, आज शहर के लोग और गांवों में भी जो नरेगा की स्कीम है उसको बहुत तेज़ी से, जब बीजेपी का राज था, पहले आप लोग ही होंगे, आप पहले एमएलए थे ही नहीं जब मानी से आप जो वार्ता नहीं बी को उसके अंदर सन 18 के बाद जो नरेगा वापस तेजी से चली और गांव और गरीब आदमी को जिस ढंग से जीने का हक मिला है, 100-125 दिन जो नरेगा में काट रहे हैं कोरोना जैसी महामारी में, उस नरेगा से लोगों ने पेट भरा है। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार का कि सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने लागू की है, योजनाएं कितनी बताएं, इतनी योजनाएं सरकार ने इन 5 साल 5वें बजट तक में दिए कि आज कोई भी कमी किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है। जहाँ तक 4 बजट पूरे हुए, उस बजट में जो भी हमारे इलाके में सरकार ने ऐसे विकास किए जो आज तक उस इलाके में नहीं हुए, कॉलेज खोले, स्कूल खोली, रोडें बनाई, पेयजल के लिए जल जीवन मिशन में पैसा दिया और तमाम जो काम किए उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इस बजट में 5 महत्वपूर्ण काम मेरे इलाके में हुए। विजयनगर में उपजिला चिकित्सालय खोला गया, रामगढ़ में पुलिस चौकी बनाई, 2 रोड मेरे इलाके में, कादोलाई से देवलिया कला और एक भिनाई से विजयनगर का रोड सरकार ने हमें दिया, एक हमारे भिनाई के अंदर न्यायालय सरकार ने खोला। इन तमाम
चीज़ों के लिए मैं राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। मैं मेरे इलाके में तमाम मैंने ये लिख के लाया हूँ। मैं मेरी इच्छा है, मैं एक तो मेरे यहाँ पे कन्या माध्यमिक कन्या महाविद्यालय खोला जाए बांधनवाड़ा में, क्योंकि सरकार ने हमारे बच्चों के लिए तो दो महाविद्यालय बिनाई और विजयनगर में खोले थे, लेकिन इलाके की मांग है कि हमारे बांधनवाड़ा में एक कन्या महाविद्यालय, इसी बजट में आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि इसी बजट में बांधनवाड़ा में कन्या महाविद्यालय हो। मेरे इलाके में बाकी रोडें दी है, लेकिन मसूदा से बागसूरी, देवलिया से विजयनगर, गणा से जबरकिया और कादोलाई से जेतपुरा की रोडें भी इसी बजट में मैं सरकार से आदरणीय अध्यक्ष सभापति महोदय आपके मार्फत में मांग करूंगा कि हमारे यहाँ पे इन रोडों का भी विस्तार किया जाए। मेरे मसूदा तहसील के अंदर दो उप तहसील का निर्माण मैंने ज्ञापन भी दिया सीएम साहब को, और आपके माध्यम से भी मैं मांग करूंगा कि मसूदा में दो उप तहसील खोली जाए। स्वास्थ्य मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि मेरे बड़ा पहाड़ी इलाका है, वीरों की धरती है, 23 मेरे इलाके में शहीद हो रखे हैं आज तक जो देश की आज़ादी के लिए, मगरा भी है, पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी इलाका भी है, और काफ़ी वर्षों से जो 7 PSC को CSC में कर्मोन्नत किया जाए, 3 PSC को उपकेंद्रों को PSC बनाया जाए, और भिनाई मेरे बहुत बड़ी जगह हैं, पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, मेरी आपसे मांग है कि भिनाई के अंदर 20 बेड और उस CSC में बढ़ाए जाए, 30 है उसको 50 किया जाए, 132 KV के GSS भिनाई और विजयनगर में खोले जाएं, प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में 10 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए, 10 उच्च प्राथमिक शाला से उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किए जाए, 8 प्राथमिक नए प्राथमिक शाला खोले जाएं, पंचायत समिति भिनाई का भवन बहुत पुराना है, बहुत पुरानी पंचायत समिति है, वो जर्जर हो गया है, मैं सरकार से आपके सभापति महोदय मांग करूंगा कि उस भवन का नव निर्माण कराया जाए। हमारे यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय है जालिया सेकंड में, मैं आपसे मांग करूंगा कि उस संस्कृत महाविद्यालय बिना किसी अनुदान के प्राइवेट के तरीके से चलाते हैं, गांव वाले रिटायर शिक्षक उसको चलाते हैं, उस महाविद्यालय को सरकारी दर्जा दिया जाए, जिससे संस्कृत जैसी इस पढ़ाई को हमारे लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकें। एक मेरे इलाके में कानिया गांव है, उसमें विधायक और सांसद तो अजमेर के लगते हैं, बाकी वो भीलवाड़ा ज़िले में हैं, भीलवाड़ा पूरे ज़िले में बिसलपुर का, भीलवाड़ा ज़िले में आदरणीय जोशी साहब की वजह से हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने चंबल का पानी पिलाया, लेकिन वो कानिया में बिसलपुर का पानी पूरा जा नहीं पाता है, उसको भी चंबल योजना से जोड़ा जाए, और कानिया के अंदर आदरणीय स्वास्थ्य, मैं भी उस बात का समर्थन करता हूँ। इस तरह का बजट न तो कभी किसी ने पेश किया है, न कभी कोई पेश कर सकता है, क्योंकि इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी को पूर्ति करनी है, ये बजट